न्यूजीलैंड के खिलाफ टी डट सीरीज में भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारे जाने पर हैरान थे। उन्हें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने पहले दौरे के बाद वे काफी सुधरे क्रिकेटर के तौर पर स्वदेश लौटेंगे। विजय शंकर ने अब तक 4 वनडे और 8 टी डट खेले। शंकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी डट में 28 गेंद में 43 बनाए। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में 23 रन बनाए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में हुए मैच से वनडे में डेब्यू किया था। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे में से 3 में और तीनों टी डट में खेले थे। शंकर को ऊपरी क्रम में खेलना पसंद। 28 साल के विजय शंकर ने विश्व कप के लिए ही दावेदारी पेश करने के हिसाब से भले ही मजबूत प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी हर फन मौला काबिलियत से प्रभावित किया। शंकर ने कहा, मैं बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खेलना पसंद करूंगा। मैं हर क्रम पर खेलने के लिए तैयार। शंकर उन्होंने तीसरे टी डट में 4 रन की हार के बाद कहा, यह मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी जब उन्होंने मुझे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कहा। यह बड़ी चीज है। मैं इस स्थिति में खेलने के लिए तैयार था। अगर आप भारत जैसी टीम की ओर से खेल रहे हो तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे से काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों सीरीज से मैंने काफी कुछ सीखा। मैंने भले ही ज्यादा गेंदबाजी नहीं की हो, लेकिन विभिन्न हालात में गेंदबाजी करना सीखा। बल्लेबाजी में विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे सीनियर खिलाड़ियों को देखने से मैंने काफी कुछ सीखा।